मार दिया ब्लॉग लाइन से सारा का सारा। गाइस हम जयपुर आए हैं, गौरव का शो था तो आज इन जनरल बहुत भयंकर ठंड है। वाह क्या धुआं निकल रहा है। यार मेरा दिमाग खराब है। वो ज्यादा ठंड हो रही है दिल्ली के अंदर। लिटिल लिटिल का प्लान बन चुके नहीं के साथ। वन डे रोड ट्रिप क्या हो गया? बैठो लो भैया, मार दिया ब्लॉग लाइन से सारा का सारा। चलो भैया ती मिनी एडी दी गई री विंटर में कैसे अजीब सी लगती है ना स्किन डिहाइड्रेटेड से। हां गाड़ी को 2 मिनट पेट्रोल पेट्रोल से भराना पड़ेगा पेट्रोल। और वो ये वाली i20 कह रहा सही है ना? ये वाली हां अच्छी लग रही है। अच्छी लगती है ये छोटी गाड़ी सही है। मैं तो इनफैक्ट थोड़े टाइम के लिए मैं ही रख लूंगा, मैं सोचता था दिल्ली में नहीं। हां वैसे सिटी ड्राइविंग के लिए तो बेस्ट। हां ये वगैरह रख, ये हो गया इसका मेरा जीप का हो गया। नहीं इतना भी नहीं हुआ। मुझे दे दे। आपको अच्छी लगती है ले लो, मैं तो बलिनो चला पर वो ऑटोमेटिक नहीं है ना। बस टच द जयपुर हाईवे। अभी जयपुर हाईवे टच भी नहीं होता, फरीदाबाद बाईपास रोड चलता। हां लैंड कराओ। ये देखो साला तो पता झटके दिखाई दिया मुझे। ये छोटे ऐसे आ क्यों रहे हैं? पता नहीं कहां से आ रहे भैया, देख के चलाना पड़ेगा। सोच अगर फॉग वॉग हो तब तो ऐसे ही तो एक्सीडेंट होता है। ऐसे लग रहा है पर्सनल सड़क बन गई है। ए फाइनली एक बीहड़ के बीच में हमें मैकडॉनल्ड्स दिख गया। एक तो ऐसा हाईवे है ना कोई होता ही नहीं है, कोई होता नहीं है, नींद इतनी आती है। हां चलो कॉफी पिया जाए। नहीं हो गया भाई एकदम ऐसा लग रहा है यूएस। यूएस गया नहीं हूं मैं। व्हाट सी यू सून। चलो आओ आधा घंटा और आगे इसके बीच में एक और है वही बन जाएगा। सब पूरी सड़क बन जाएगी 2 साल में। वाओ क्या मस्त शॉट आ रहा है। दिल्ली से निकलते ही जो धूप दिखी है हमें वाओ। दिल्ली में तो ऐसा ग्लूमी वेदर हो रहा था नहीं को भी, इतना अच्छा लग रहा है धूप के नीचे खड़ा होके। धूप के नीचे खड़ा होके धूप में खड़े होके। गाइस हम जयपुर आए हैं, गौरव का शो था तो आई थॉट आई विल आल्सो एकॉम्पनी हिम। निकल पड़े हैं दाल बाटी जयपुर में, दाल बाटी चूरमा और लाल मांस खाने के लिए। हम कोई बात नहीं, तो हम कहां जा रहे हैं? 113 क्या 9 1135 एडी। 1135 एडी हमने बोला लोग कहेंगे अरे वहां का ऐसा है कहीं और से खा लो भाई, पर कहीं और जाने का टाइम नहीं। पर हमने लास्ट टाइम मुझे याद है हम किसी काम से आए थे और तो मैं और गौरव एक ना एक बहुत ही देसी सा ढाबा था। ओ माय गॉड वहां बैठ के हमने खाती गरम गरम रोटी उतार, सामने ही रोटी उतार रहा था ना गरम 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 उतार रहा था। अंकल ने बुलाया कितने पैसे था, आ जाओ बेटा खाना खा लो। ठीक है अंकल आ रहे। और लस्सी पी थी और काफी अच्छा होता आई थिंक वो बहुत दूर। जयपुर मुझे बहुत बढ़िया सिटी लगती है। एक तो मौसम बढ़िया होता है दिल्ली जैसे, ऑलमोस्ट वेदर होता है थोड़ा साफ बल्कि बेटर, और एकदम दिल्ली से 4 घंटा ड्राइव करके आ जाओ। रास्ता को ज्यादा ही सुनसान नहीं है जाने का। पर हाँ सडनली एक वो रास्ता आया था जिसमें कोई भी नहीं दिख रहा था 1 मिनट 2 मिनट का, वो रहा फोटो देखो। अभी फोटो खींचो मेरी फोटो आ जरा। ये देखो कौन गया था आ गया लाल मांस। दाल बाटी चूरमा तो नहीं मिला भाई, उसकी तो आशा अधूरी ही रही। कोई नहीं एक आगे निकल लेंगे। बताओ जरा खा के कैसा? वाह क्या धुआं निकल रहा है। अच्छा मामा सर बाहर मत ओपन एयर है। अरे बुंड फाड़ सर्दी मतलब मेरा पूरा हाँ मैं परफॉर्म कर रहा 10 मिनट कांपना शुरू हो गया एकदम स्टेज पे। हाँ तो मैंने क्या करा इंटरेक्शन करा, मैंने कहा भाई ये आप बताओ ये लो माइक लेके बताओ, जब तक माइक दिया। मैंने बोला था कुछ पहन ले अंदर। अरे अंदर नहीं पर इन जनरल बहुत भयंकर ठंड है, मतलब भयंकर मतलब ऐसा लग रहा है 0 डिग्री टाइप चल रहा है जयपुर में। हाँ तो दिल्ली में तो क्या हो रहा होगा यार, मेरे को लग रहा है ये क्योंकि खिलकर तड़ 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 पर ऑडियंस बहुत मतलब टंकी हाफ हो गई फिर भी पेट्रोल भरवा लेते, पेट्रोल भरवा लेते, हवा भरवा लेते, पेट्रोल भरवा लेते, हवा भरवा लेते। मेरी बात सुनो, हवा तो आप क्योंकि भरवाते नहीं हो, आपका पता है मुझे एकदम खत्म होने वाला है, फटेगी ना तभी फोन करोगे आप।
वो भी मैंने तेरा दिल्ली जयपुर फंस गई आई हो चल फिर मैं पेट्रोल भरा भरा के आऊंगा हर जगह से। वो एडवेंचर का ना कोई मजा ही अलग है। नहीं श्रेया कोई मजा नहीं, लाइट जल गई है और आपको एक जगह जाना और पेट्रोल पंप मिल ही नहीं रहा है, वो थ्रिल से आज भी था श्रेया भाई। मैं बता रहा था मैंने रिसेंटली गोवा गया था, मतलब रिसेंटली थोड़ा हो गया, तीन चार महीने, दो तीन महीना हो गया। तो वहाँ पे एक जर्मन बेकरी होती थी कैंडोलिम में, मतलब वो एकदम छोटी सी किसी को दिखती भी नहीं थी और सब टेस्टी, और सुबह सुबह मतलब लगा लो किसी भी होटल में रुक जाए सवेरे आके सैंडविच खाते थे वहाँ पे, इतना टेस्टी। अच्छा लगता था। तो मैं बता रहा था मैं स्कूल टाइम में ना, मैं और शिवम मेरे एक दोस्त थे, जनकपुरी में एक मार्केट है A1 की मार्केट है शायद, वहाँ जाके बैठते थे, चक्कर कर मारते थे शाम को, घूमते फिरते। और वहाँ एक दुकान थी कन्फेक्शनरी की, उसके बाहर ना दो सीढ़ी बनी हुई थी बस, मतलब वो शायद वहाँ पे पहले एंट्रेंस होगी पर उसने एंट्रेंस वो बंद कर दी, तो पर वो दो सीढ़ियाँ वहाँ पे रह गई थी। तो वो मस्त जगह थी, कोई नहीं था, हम दोनों जाके बैठते थे, बकचोदी करते थे खूब, दो दो घंटे बातें आते चल रही है, फिर रात को मैं घर चले जाता था बस बातें करने जाते। हाँ हाँ, तो फिर ऐसा ही हुआ एक दिन, मैं गया, मैं चल आ जा, उधर गए भाई घूमे चक्कर कर बारे, हम वहाँ बैठ रहे हैं, पता है वो उसने बुड्ढा ने सीढ़ियाँ तुड़वा दी थी श्रेया, वो हाँ। ऐसा लगा ना यार किसी ने हमारा वो लोकेशन घर छीन लिया, पता है ऐसा खून जला ना एकदम कि ये सीढ़ियाँ कैसे चली गई यहाँ से, पता ऐसे जब छीन जाता तो कितना अजीब सा लगता है, भले तुम्हारा ना हो। जैसे एक बार बात बताऊँ, मैं एक बार बताता हूँ, मैंने एक बार जॉब करता था ना, कॉल सेंटर में जॉब करता था पहले जब मैं, तो मैंने कंपनी छोड़ दी थी, तो भाई छोड़ दी तो भाई मेरी ना सैलरी आती थी पता है, मतलब मैंने छोड़ दी कंपनी 25-30 दिन पहले और सैलरी आ रही है। हाँ, अगले महीने कुछ, अरे ह्यूज डेटाबेस वगैरह होता होगा कॉल सेंटर था, तो शायद पता नहीं क्या HR से गलती गुलती हो गई होगी नहीं डाला होगा मैं रिजाइन। भाई मेरी पता 30 तारीख को सैलरी आ गई। और श्रेया मैं तो बता रहा हूँ, रात को आई थी शायद सितंबर की बात है, सैलरी आई हल्की हल्की ठंड, उस टाइम दिल्ली में ठंड सितंबर अक्टूबर शुरू आती थी। मैं रात को 12 बजे पापा को स्कूटर लेके भागा, 17,000 रुपए कुछ तो आए थे, नहीं 11,000 कुछ आए थे, 11,000 लगा कि वापस बैंक से ना ले। हाँ मुझे लगा मेरे बैंक से वापस ना निकाल ले, तो मैं रात को स्कूटर लेके भागा, मैंने पापा चला आता हूँ, और ATM से सारा पैसा कुछ 11,500-700 रुपए थे सब निकाल के ले आया, और खूब मजे मारे मैंने उस महीने। मैं चलो ठीक है, तो एक ही महीना होता कोई बात नहीं, फिर अगले महीने फिर आ गई। यार मेरा दिमाग खराब, मेरे को वो, और कॉलेज में पार्टियां दे रहा है, अब तुम्हारा भाई आ गया है, सब तेरे भाई गया, कोई मुझे कसम से लगा अब मेरी जिंदगी भर ये 11,000 मेरे लाइफ टाइम के फिक्स होगा। मैं सोच रहा था कैसे मैं रिटायर हो सकता हूँ कि अब तो मेरे को हर मंथ 11,000 आएंगे, ये लोग भूल चुके। और सुनो 30 नवंबर अगला आया, 30 नवंबर मतलब ये सितंबर में हुआ, अक्टूबर में हुआ, अब आया 30 नवंबर, 30 नवंबर मेरा बर्थडे होता है। तो सुबह सुबह मैंने राशि, अब मैं तो सोच रहा था सैलरी तो आनी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घर पे बैठे आराम से रिलैक्स करोगे, सैलरी आएगी क्या दिक्कत है भाई। फिर ना मैं वो पढ़ रहा था, राशिफल नहीं होता सुबह का, राशिफल में लिखा आज आपको अनजान सोर्सेस से कुछ पैसों का गेन हो सकता है। मैंने कहा अरे राशिफल वालों को भी पता चल गया है श्रेया, मुझे लगा। और वो सैलरी एग्जैक्टली पता है, एग्जैक्टली 30 तारीख मंथ की लास्ट डेट को 11:58 से 12 बजे के बीच में आ जाती थी श्रेया, सैलरी नहीं आई पता आराम का पैसा मेरे को पता है, आंसू निकल गए हल्के, पता मुझे पता है ऐसे, पता मेरे को तीन, मेरे को एटलीस्ट एक हफ्ता लगा उससे निकलने के लिए, पता मैं इतने डिप्रेशन में चला गया कि मेरे कैसे पैसे, और उनको पता भी नहीं चला, वो कभी उन्होंने वापस भी नहीं मांगे, तो मैं दूंगा भी नहीं। दोस्तों नोएडा का आया था कुछ काम से, और मैंने वहाँ नोएडा के फोन करा नेगी को, नेगी भाई तेरा घर कितनी दूर है, जहाँ मेरा काम था नेगी घर था, दो किलोमीटर, तो मैं नेगी घर आ गया, और नेगी घर आ गया तो ऑब्वियसली दो चीज़ जरूरत होती है, तो नेगी घर आती है, हम नेगी घर के बाद एक और जगह जाते हैं, वो रही ये आएगी, हाँ आ गई ये, और अभी फिर मूंगफली उठा करके बट्टी सेकते हुए, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है दिल्ली के अंदर, लिटिल का आज प्लान बन चुके नेगी के साथ। नेगी भाई भी खुश, और नेगी बहुत गंदी बातें कर रहा है मेरे से, अभी मैं आपको बता दूं नेगी ने मेरे से क्या पूछा है। हाँ बता दे नेगी, नीलिमा को भी बताऊंगा, रुक जा। दोस्तों आज नेगी ब्लॉग में आ रहा है, नेगी घर आया है, एक तो नेगी जब भी ब्लॉग में आता है ना, नेगी के चेहरे पे नीलू तू भी आया था, तो दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं है ना, कि ना आके एकदम ऊपर और साइलेंस हो जाता है भाई, मेरी ऐसी रहती है ना, फिर ऐसी रहता इसका मन करता है भाई, नहीं कह रहा पता, मुंबई में रहते थे और दोस्तों अब क्या पता है, एक ना वहां पे बताया हमने वाली कहानी, कौन सी वाली भाई, हम ना शेर पंजाब के पास रहते थे, पर सुनो तो दोस्तों दुर्गा बार में जाते थे, वहां पे सारे ऑटो वाले और मैं और नेगी बैठते थे,
और रात को 11 बजे वापस सिगरेट अलाउड होती थी। भाई तू कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा, तेरे सांप सूंघ जाता यार। अरे दोस्तों कैमरा चाहिए। दोस्तों श्रेया का कॉल आ चुका है, अल्टीमेटम दे चुकी है मुझे कि घर आ जा, ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। और हम एक पैक बोल के ऑलरेडी 5 पैक पी चुके हैं। मैं, नेगी, नीलिमा, यज्जू और तू आएगी ब्लॉग में और निशिता भी। दोस्तों ये हमारे निफ्ट के दोस्त सारे, निफ्ट नहीं पर हम लोग मिले बाद में ना, निश्चित से तो थ्रू यज्जू मिले, हाँ थ्रू यज्जू मिले। और नीलिमा इज नॉट फ्रॉम निफ्ट, नीलिमा इज फ्रॉम एक्सेंचर। निश्चिता तू क्या कह रही है कि अगर मेरे को हैंगओवर उतारना तो क्या तरीका है? ब्रेड एंड सैलेड खा के चले जाओ ना। सैलेड तो चल रहा है पर ब्रेड वो कह रही है ब्रेड खाने से हैंगओवर उतर जाए। नेगी एक ब्रेड दे दे, मैंने वो लेके उन्हें अंदर शरीर सुखा ले। तो नेगी की 2-3 बातें बताना चाहता हूँ, नेगी की वाइफ बैठी इसलिए नहीं बता रहा। बता दू और ये एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है और काफी सीनियर आदमी है यज्जू। तो यज्जू घर पे था उस दिन, तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं और गौरव आए, हम लोग ऑफिस से घर आए, तो यज्जू कहता है कि यार वो नीचे वाले अंकल बड़े बदतमीज है, बहुत बदतमीज है यार, तमीज नहीं बात करनी, गुस्से में बात कर रहा। हमने बोला क्या हो गया भाई? तो कह रहा यार सुबह मेरा यार एक इंटरव्यू चल रहा था, एसी हम लोग ऑन करते थे तो पानी चूता था ना, हाँ। पानी चूता था, क्या मतलब यज्जू क्या होता था, एसी से पानी गिर रहा था, पानी हाँ पानी गिर, और एकदम से डोरबेल बजती है। तो कह रहा कि यार मेरा इंटरव्यू चल रहा है, तो अंकल बार बार डोरबेल बजा रहे हैं। तो मैं यार मैंने इंटरव्यू वाले को बोला कि मैं जरा होल्ड करूं, मैं आता हूं। कह रहा बाहर गया तो अंकल एकदम चिल्लाने लग गए दरवाजा खोलते ही, तमीज नहीं है, यू डोंट गाली वाली दे रहे, इंग्लिश में बात करने लग गए, इंग्लिश में बात करने लग गए। तो यज्जू बोला कि और दोस्तों यज्जू का बैकग्राउंड, यज्जू हमारा वही भाई अपना, कौन सा यज्जू, रेनबो पब्लिक स्कूल, कौन सा यज्जू, रेनबो पब्लिक स्कूल। दोस्तों यज्जू अपना लक्ष्मी नगर का मेन कैरेक्टर है अपना, तू नोएडा से था लक्ष्मी नगर, नहीं भाई वो सुंदर एनक्लेव, हाँ सिमिलर ही, बहुत डिफरेंस है। दोस्तों यज्जू अब आगे तो बता फिर क्या हुआ। यज्जू ने बोला कि अंकल ने पूरी इंग्लिश में डाटा इसको, पहले अंकल ने पूरे इंग्लिश में, अंकल तो यज्जू एकदम सक पका गया, कह रहा इंग्लिश में बात क्योंकि अंकल यज्जू यहां पर। दोस्तों यज्जू टैलेंटेड, नेक्स्ट लेवल शिट है, नेक्स्ट लेवल शिट, मतलब यज्जू जो काम करता है उसमें वो सबसे ऊपर है। हाँ। पर जब इसकी नौकरी भी लगी तो हमें पता था इसकी कम्युनिकेशन स्किल से तो नौकरी नहीं लगी है, इसकी एक्चुअली स्किल से नौकरी लगी। ऐसा नहीं है गाइस, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है, बट हम वैसे बता रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आप आपसे एकदम से कोई इंग्लिश में बात करता सक पका जाते हो, ठीक है? तो क्या हुआ कि सक पका, हाँ सक पका जाते हो ना, घबरा जाते हो। हाँ। तो कहते जैसे फिर अंकल यज्जू कहता कि हमने, मैंने दरवाजा खोला, कह रहा अंकल एकदम यार एकदम ऐसे कि हे यू डोंट हैव एनी मैनर्स, योर वाटर फॉलिंग और ये वो अंकल भी टूटी फूटी इंग्लिश बात करने लगे। तो यज्जू को रियलाइज हुआ कि उसका इंटरव्यू चल रहा है, तो यज्जू एकदम से बोलता है अंकल स्पीक सॉफ्ट, इंटरव्यू गोइंग, इंटरव्यू ऑन। भाई मेरी और इतनी तेज हंसी छूट रही, मगर तो चूतिया की ऐसे कौन बोलता है यार। दोस्तों यज्जू बहुत तगड़ा आदमी है अपने काम के अंदर, मैं बता रहा हूँ। जब इसकी बहुत तगड़ी नौकरी लगी, आपको क्या बताऊँ, इसने इसकी जब नौकरी लगी इसने हम सबके मुंह अचानक से मूंद दिया था, पता है? इसने तो 2 साल बात नहीं करी थी। हाँ क्योंकि छोटे लोग बात नहीं करे, क्योंकि इससे इसकी सीधा हमारे से 2.5 गुना तनख्वाह में नौकरी लगी। Hi guys, I hope you like the vlog. If you like the vlog, then do subscribe to the channel. Next vlog is going to be out very soon because it is already ready.